जी नमस्कार दोस्तों, अपन बात करते हैं लैडर ड्रिल के बारे में। लैडर ड्रिल किस प्रकार से संपन्न करते हैं, कितने व्यक्तियों के द्वारा होती है, कौन सा व्यक्ति का क्या कार्य होता है। एक नंबर, जैसे कि इसमें चार व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तो एक नंबर क्या करता है, दो क्या करता है, तीन का कार्य क्या है, चार का कार्य क्या है, और कितने आदमियों की इस ड्रिल के अंदर आवश्यकता होती है, कौन सा आदमी क्या कार्य करता है, और ड्रिल का टेस्ट किस प्रकार से किया जाता है, और ड्रिल की यदि इसके अंदर लैडर में खराबी है तो उनका टेस्ट भी इस ड्रिल के दौरान ही कर लिया जाता है, उसका वजन। और इस लैडर के ऊपर ड्रिल के दौरान जो लॉक लगाए जाते हैं, आप अपने पिछले वीडियो में भी अपन ने पहले पढ़ा था कि लॉक कौन कितने प्रकार के होते हैं फायर इस लैडर के ऊपर। तो दो प्रकार के लॉक होते हैं, जो कि एक आर्म लॉक होता है और एक लेग लॉक होता है। लॉक वो भी आपको बताएंगे कि आर्म कैसे लॉक लगता है और लेग लॉक कैसे लगता है, ये ड्रिल के दौरान सब प्रक्रिया है। यहाँ आपको ड्रिल के बारे में ओनली फॉर बताया जाएगा, लेकिन जब अपन ग्राउंड स्तर के ग्राउंड में बात करें तो वहाँ पर क्या है, आपको पूर्ण तरीके से वहाँ सिखाया जाएगा, आपका पूरा वर्णन करवाया जाएगा, खड़े कैसे किए हुए ड्रिल के, अपन पीछे कैसे खड़े रहते हैं, जो लेडर ड्रिल के आगे कैसे खड़े रहते हैं, पीछे कैसे खड़े रहते हैं, लेडर को उठाते कहते हैं, लेडर को पकड़ने का क्या तरीका होता है, लेडर के पार्ट्स के बारे में, कौन कौन से पार्ट्स पकड़ के खड़े होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो लेडर ड्रिल में आवश्यक रूप से व्यक्तियों की संख्या की बात करें तो आदमियों की संख्या, आदमी या फायरमैन की जो संख्या होती है, कितने व्यक्ति कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना, चार व्यक्तियों के समूह के द्वारा, चार व्यक्तियों के समूह या एक क्रू के द्वारा ड्रिल को संपन्न करवाई दी जाती है। आप इसके नीचे लिख दो, चार व्यक्तियों के समूह, व्यक्तियों के समूह या एक ग्रुप की मदद से ये ड्रिल की जा सकती है। चार व्यक्तियों की मदद से, चार व्यक्तियों के समूह समूह या एक क्रू की मदद से ये ड्रिल की जा सकती है। क्रू के अंदर क्या है, जो लेडर ड्रिल के क्रू की बात करते हैं तो लेडर ड्रिल के क्रू के अंदर चार व्यक्ति होते हैं, और पंप ड्रिल की बात करें तो पंप ड्रिल के अंदर क्रू कितने होते हैं, पंप ड्रिल के अंदर एक क्रू के अंदर छह लोग होते हैं, छह आदमियों की संख्या होती है, जिसे क्रू नाम से संबोधित किया गया है। देखो, आदमियों की, चार आदमियों की आवश्यकता होती है। एक बात ध्यान रखना, जो डिफेंस वगैरह में होती है तो डिफेंस के अंदर इस लेडर ड्रिल में तीन व्यक्तियों के समूह द्वारा करवा दी जाती है, तीन व्यक्तियों के आसरण के द्वारा, तीन व्यक्तियों को जब इकट्ठा होकर इस प्रकार से ड्रिल करवा दी जाती है जो लेडर ड्रिल के अंदर आती है। तो डिफेंस की बात करें तो आपने को सीधा इतना ही ध्यान रखना है कि तीन व्यक्तियों के द्वारा संपर्क करवाई जाती है, लेकिन सिविल डिपार्टमेंट के अंदर, फायर सर्विस सेवा के अंदर चार व्यक्तियों के समूह द्वारा फायर की ड्रिल को संपन्न करवाते हैं, चार व्यक्ति इस ड्रिल को संपन्न कर देते हैं। अब चार व्यक्तियों की संख्या के अनुसार इस ड्रिल को संपन्न करते हैं, तो ड्रिल किस प्रकार से करते हैं चार व्यक्ति, देखिए अपन ये करते हैं लेडर की बात, ये हो गई आपकी लेडर या सीडी, लेडर ऑब्लिक सीडी, ठीक है, इसका ये होगा स्ट्रिंग, ये हो गए राउंड, ठीक है। छोटे छोटे अपन लेटर के बारे में पढ़ लिए थे, परंतु ये थोड़ा यहाँ देख लेते हैं तो क्या है कि, और ये हो गए सू, ठीक है, जो रबर के लगे हुए थे रहते हैं रबर सू, ये हो गए लेटर। तो इसमें क्या है, चार व्यक्तियों को अपनी अपनी जगह पर खड़ा कर दिया जाता है, जैसे ये लाइन हो गई, इस लाइन के ऊपर आ गए चार व्यक्ति, एक दो तीन चार, चार व्यक्ति, इस चार व्यक्तियों को बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्रू, एक नंबर ये
अपना क्रू हो गया जो एक नंबर क्रू हो गया। अब क्रू क्या करता है कि लेडर को उठाकर किसी भवन के सहारे वहाँ रखता है एवं वहाँ लगा देता है और खड़ी कर देता है। अब देखो यहाँ पर ये लेडर आपने लिख लिया होगा, अपन यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो चार व्यक्तियों के द्वारा ये है लेडर ड्रिल को संपन्न करवाई जाएगी। लेडर ड्रिल का कार्य करेगा जो प्रैक्टिकल फायरमैनशिप के अंतर्गत आता है, जो प्रैक्टिकल के दौरान जो भी क्रियाविधि होती है, कार्य व्यवहार होता है, तो वो इसके अंतर्गत आता है, इसमें आता है। तो इसमें किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, अब देखो ये स्ट्रिंग हो गई, ये लेडर यहाँ पर पड़ी है, पड़ी रहने के बाद में लेडर को यहाँ पर खड़ा करना है, खड़ा करने के बाद में उसको टेस्ट करना है, टेस्ट करने के बाद में उसके जो लॉक होते हैं दो प्रकार के, आर्म लॉक और लेग लॉक, तो इन दो प्रकार के लॉकों को जब लगाकर लगाने की विधि किस प्रकार से लगाया जाता है, आर्म लॉक और लेग लॉक, वो भी अपन यहाँ बात करेंगे। तो भवन सीढ़ी को खड़ा करने के तुरंत पश्चात लगाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये व्यक्ति यहाँ से एक नंबर जो दौड़ते हुए सीधे यहाँ रनिंग करते हुए जाएंगे, इस प्रकार से ये रनिंग करते हुए यहाँ एक नंबर यहाँ खड़ा हो गया, उसके बाद में दौड़ते हुए यहाँ दो नंबर, यहाँ तीन नंबर, चार नंबर, ठीक है, जो कि लेडर के इस प्रकार खड़े हो जाएंगे, इस स्थिति में खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद में ये लेडर को यहाँ से उठाते हुए दौड़ते हुए क्या करेंगे कि जो आपके ये बनी हुई है ना दीवार, जो बहुमंजिला भवन, तो यहाँ क्या खड़ी कर देंगे, यहाँ पर इन्होंने लेडर लाके खड़ी कर दी चार व्यक्तियों के द्वारा पकड़कर। ये ड्रिल होती है जो कि अपने कंधों के ऊपर, यह कंधों के ऊपर जो लेडर होती है उनको डालकर अंदर की तरफ इस प्रकार से जो राउंड होते हैं ना, ये पाए पायों के अंदर से यहाँ और यहाँ पायों के अंदर से अपना हाथ डाल लेते हैं, यहाँ पायों के अंदर हाथ डाल के वहाँ पर खड़ी कर देते हैं, इस भवन के सहारे खड़ी कर दी। ठीक है, भवन के सहारे इस प्रकार से लेडर में खड़ी हो गई। अपना आगे इस बात करते हैं, ये लेडर आपकी खड़ी हो गई, तो ये एक नंबर, ये तीन नंबर, एक और तीन, ये दो नंबर, तो क्या है, एक नंबर यहाँ पर टेस्ट करेगा, टेस्ट लेडर यहाँ दो नंबर रहेगा, ठीक है, सामने रहेगा, उधर की साइड में तीन नंबर और चार नंबर, क्या है यहाँ से पीछे से पकड़ के रखेगा, दीवार की तरफ खींच के रखेगा, ये चार नंबर, और ये लेडर के ऊपर टेस्ट करता है लेडर ड्रिल के दौरान। तो क्या है? इस साइड से इन्होंने इस प्रकार की भांति इस प्रकार खड़े हो गए, ये नीचे के इसको दबाते हुए जो स्ट्रिंग के होता है उनको पकड़ लिया, सामने वाली स्ट्रिंग को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद में क्या करता है कि एक नंबर ऊपर चढ़ता है और अपने वजन को भार देता है तीन व्यक्तियों के भार में। यदि सीढ़ी किसी भी 70 kg तक के व्यक्ति को जब भार इसके ऊपर दबाया जाता है संतुलन खड़ी करके, तो क्या यदि सीढ़ी थोड़ी बहुत मुड़ जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो लेडर वो सही नहीं है, उनको बदलना चाहिए। तो इस प्रकार से व्यक्तियों के द्वारा हो गए।
और एक व्यक्ति के द्वारा ये चढ़ के टेस्ट कर लिया जाता है। अब एक बात ध्यान रखने योग्य है कि लेडर को बावन से 1/4 हिस्से में लगाई जानी 1/4 हिस्से में लेडर को लगाई जानी चाहिए। मानो कि जो भवन लगा होता है वहाँ भवन खड़ा है उसकी यदि मानो कि 100 फिट है, ये 100 फिट है, 100 फिट की है, मानो कि यहाँ से यहाँ तक ये 100 फिट है, तो 100 फिट है तो आप अपने को नीचे से ये दूरी जो अपन लेडर का निचला सू होता है ना, ये सू, तो सू यहाँ सू होता है, इस सू से ये दूरी 25 फिट होनी चाहिए, जो कि ये 100 फिट का एक बहुमंजिला या त्रिमंजिला भवन है। तो देखो लेडर को भवन से 1/4 हिस्से में लगाई जानी चाहिए, 1/100 हिस्से के अंदर इस लेडर को अपने को लगाना होता है, उपयोग में लेना होता है, 1/4 हिस्से के बराबर लेडर को लगानी चाहिए, जो कि 1/4 हिस्से ये हिस्सा है ना नीचे का, जमीन से टच होती है, जिस प्रकार से लेडर या नीचे जमीन से टच होकर अपन ऊपर खड़ी करते हैं तो क्या निचले वाला डिस्टेंस होता है वो 1/100, मतलब भवन के 100 हिस्से के बराबर होना चाहिए, जिससे कि सीढ़ी के वापस गिरने की संभावना कम के बराबर, तो ये ध्यान रखना। और जब अपन लगाते हैं तो क्या सीढ़ी क्या करते हैं कि अपन लगाते हैं तो खिड़की के ऊपर लगानी चाहिए, खिड़की पर लगानी चाहिए, खिड़की के ऊपर इस लेडर को फिट करना चाहिए, इस खिड़की के ऊपर सेट कर देना चाहिए 1/4 हिस्से में। अब देखो ये 1/4 हिस्से में ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा मैं आशा करता हूँ। एवं अब क्या है, सीढ़ी के दौरान चढ़ने के दौरान इनमें लॉक होते हैं, लॉक लगाए जाते हैं, दो प्रकार के लॉक लगते हैं, एक तो आरंभ लॉक होता है, दूसरा होता है लेग लॉक। यहाँ बात कर लें आरंभ लॉक यहाँ हो गया लेग लॉक। ये दो प्रकार के इस प्रकार के सीढ़ी के लॉक हो गए, आरंभ लॉक और लेग लॉक, इसमें लिख लेते हैं लॉक नंबर एक आरंभ लॉक, दूसरा हो गया लेग लॉक। पहला हो गया आरंभ लॉक और दूसरा हो गया लेग लॉक। तो आरंभ लॉक किस प्रकार से लगाते हैं और लेग लॉक किस प्रकार से लगाते हैं, तो लेग लॉक हमेशा पैर के द्वारा लगने वाला एक लॉक होता है, पैरों के द्वारा इनको लगाया जाता है, पैरों से टच करके इनको लगा दिया जाता है। लेग लॉक से क्या तात्पर्य है कि अपना जो लेग पैर होता है वो पैर को एक पैर को नीचे रखते हैं एक पायदान पर और दूसरे पैर को दो पायदान छोड़कर अंदर से डालते हुए वापस इस प्रकार से ये अपन ने ये पहला पायदान यहाँ दूसरा पायदान यहाँ अपन ने इस पायदान को डालते हुए यहाँ पर लॉक लगा दिया इस प्रकार से ये दिख रहा है। इस प्रकार से लॉक लगा के पैर को वापस इस तरह मोड़ के अपन रख देते हैं मोड़ के छोड़ देते हैं जिससे कि पूरी तरह से लॉक फिट हो जाता है लॉक लग गया है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति खड़े खड़े वो फायर फाइटिंग करता है तो उनको कोई हाथों से पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती और गिरने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि जब लेग लॉक लगा होता है और अपन वहाँ से फाइटिंग कर रहे हैं वहाँ से ऊपर पानी को बोसारों के रूप में डालते हैं तो लेग लॉक के द्वारा इन्हें यहाँ पर पकड़ लिया जाता है और वो आसानी से फाइटिंग कर सकता है। लेकिन आरंभ लॉक होता है वो हाथों के द्वारा लगाए जाते हैं, एक हाथ स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग आपको मैंने फोटो के माध्यम से बताई उसे एक स्ट्रिंग के अंदर से हाथ डाल देते हैं और दूसरा हाथ बाहर से डाल देते हैं, स्ट्रिंग के अंदर बाहर से हाथ डालकर वो क्या है
लॉकिंग सिस्टम कर लेते हैं तो, एवं उसके बाद में वापस उसी तरह व्यक्ति खड़े होकर जो यथावत स्थिति के अंदर जो होती है वो यथात स्थिति में रहती है सीढ़ी, वहाँ पर वो फिट कर देते हैं। ये था अग्निशमन के लिए फायर लेडर ड्रिल, प्रैक्टिकल फायरमैनशिप में लेडर ड्रिल की मुख्य मुख्य विशेषता। और जब इनके बारे में विस्तार से अपन यदि बात करेंगे, विस्तार से ये बात यहाँ नहीं कर सकते, वो बात ओनली फॉर ग्राउंड में की जाती और ग्राउंड के अंदर लेडर ड्रिल के माध्यम से करवाई जाती है, उस समय आपको यह पूर्ण करवाया जाएगा। अपन अभी बात करते हैं इसके अंदर दूसरे पॉइंट की, इसके अंदर स्मोक धुएं के अंदर अब फायर फाइटिंग करनी है तो प्रैक्टिकल फायर फाइटिंग करनी है, मतलब अपने को समझना है धुएं के अंदर फायर फाइटिंग किस प्रकार से की है, यदि धुआं वहाँ अत्यधिक मात्रा में आता है तो किस प्रकार से फायर फाइटिंग करें। धुएं में फायर फाइटिंग किस प्रकार से करें, कौन कौन से पॉइंट होते हैं धुएं में फायर फाइटिंग करने के लिए, अपने को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। अपन जहाँ की कभी भी किसी भी भवन के अंदर अत्यधिक भवन में धुआं अत्यधिक मात्रा में हो जाता है, धुएं की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसके अंदर भी फायर फाइटिंग की आवश्यकता पड़ती है, तो वो फायर फाइटिंग किस प्रकार से करनी चाहिए। जो फायरमैन होता है उनको ये विशेषकर याद रखने वाली बात है कि अपन किस प्रकार से फायर फाइटिंग करें, जिससे कि उस भवन के अंदर या उस घर के अंदर कम से कम नुकसान हो, कम से कम उपयोगिता से नुकसान बढ़ता हो। तो ये देखते हुए कुछ पॉइंट है जो अपन चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार से अपने को वहाँ कार्य के दौरान ये सावधानी बरसे, ताकि क्या सामने वाला कि अपन दोनों के बीच कॉम्बिनेशन रहे और दोनों का जो खतरा है उस खतरे को कम से कम किया जा सकता है। अब इसके अंदर आप नोट करो, पहला पॉइंट नोट करें, पहला पॉइंट BSAD ब्रीथिंग अपार्ट्स SCBA, इसको फुल फॉर्म श्वसन उपकरण हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं SCABL, सेल्फ कंटेनिंग ब्रीथिंग अपार्ट्स श्वसन उपकरण होता है, और शॉर्टकट में बात करें BSAD श्वसन उपकरण होता है। ये श्वसन उपकरण का धुएं के अंदर जाने के लिए अपने श्वसन उपकरण का हमेशा उपयोग करना चाहिए, इस श्वसन उपकरण का। यदि देखिए श्वसन उपकरण का अपने पास में BSAD नहीं है, BSAD न होने की स्थिति में, BSAD न होने की स्थिति में, BSAD न होने की स्थिति में गीला कपड़ा, कपड़ा रुमाल, गीला कपड़ा हो या रुमाल हो मुंह पर बांधें, गीला कपड़ा हो या रुमाल हो वो मुंह पे बांधना चाहिए। सबसे पहले BSAD का अपन ने प्रयोग कर लिया, अपने पास में BSAD मौजूद है तो BSAD को प्रयोग करना चाहिए, और यदि BSAD नहीं है तो क्या करना चाहिए, अपने को जिस प्रकार से इमरजेंसी है तो घुसना ही है, परंतु BSAD नहीं होने की स्थिति में अपन क्या करते हैं कि जो गीला कपड़ा है वो अपन मुंह के ऊपर बांध गए, ताकि क्या है वो धुआं वगैरह है अपने अंदर कम से कम जाए, तो BSAD न होने की स्थिति में ये काम करता है। नंबर दो पे लिखो, नंबर तीन लिख लो आप, हमेशा दो व्यक्तियों के साथ में काम करें, हमेशा दो जोड़ी व्यक्तियों के साथ में
काम करें दो जोड़ी व्यक्तियों के साथ में ड्रिल के दौरान करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। दो व्यक्ति क्या है उसी के अनुसार कॉम्बिनेशन में आते हैं। तो देखिए, दो हमेशा दो जोड़ी व्यक्तियों के साथ में काम करें उसके दौरान, फाइटिंग के दौरान। दो व्यक्ति क्या है कि कभी भी कोई रिस्क होती है तो एक की होती है तो दूसरा व्यक्ति उसका सपोर्टर होता है, हेल्पर होता है। तो उनके देखते हुए दो जोड़ी काम धुएं के अंदर, जहरीली गैसें हैं, चाहे धुआं है, चाहे सिविल लाइन्स के अंदर है, तो क्या है दो व्यक्तियों को घुसना अनिवार्य है उसके दौरान। अब देखो, भवन प्रवेश के लिए खड़े होकर संभावना ना हो तो क्रॉलिंग पोजीशन में जाएं। अब देखो, प्रवेश में खड़े होकर संभावना नहीं हो तो देखो प्रवेश के लिए खड़े होकर संभावना नहीं हो तो क्रॉलिंग क्रॉलिंग पोजीशन में प्रवेश करें। क्रॉलिंग पोजीशन के द्वारा उनको प्रयोग में करना चाहिए। क्रॉलिंग का मतलब है सीधे इस प्रकार से झुकते हुए, कम इस प्रकार से दबे पाँव जिस प्रकार अपन बात करते हैं, तो दबे पाँवों की तरह उनके अंदर प्रवेश करना चाहिए, उस भवन के अंदर प्रवेश करना चाहिए। नंबर 5 पे आता है क्रॉलिंग पोजीशन की संभावना न हो तो क्रॉलिंग पोजीशन की संभावना यदि नहीं हो तो हाथों को घसीटते हुए जाएं, ये थी अपने एक धुएं के अंदर फायर फाइटिंग किस प्रकार से करते हैं, धुएं के अंदर फायर फाइटिंग कौन से उपकरण प्रयोग करने चाहिए एवं घुसने के दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किस प्रकार से उनके अंदर घुसा जाता है, इसके बारे में अपन ने बात की। पहला पॉइंट जो था BSAT का प्रयोग करें, जो शोषण उपकरण था BSAT का प्रयोग। नंबर 2, BSAT न होने की स्थिति में यहाँ पर अंदर घुसना ही घुसना है और अपने पास में BSAT नहीं है तो उस स्थिति में क्या करें, जो अपने पास में गीला रुमाल होता है उस रुमाल को गीला करके मुंह के ऊपर बांध कर प्रवेश करें, ताकि क्या है वो जो धुआं होता है वो कम से कम आए, आएगा तो कम से कम आए, इसी प्रकार उस गीले रुमाल का प्रयोग करें। तीसरा होता है दो जोड़ी हमेशा प्रयोग करें, दो व्यक्तियों की जोड़ी जिस धुएं के अंदर गहरीले धुएं के वाले के रूम के अंदर कमरे के अंदर अपने को जाना है तो वहाँ दो जोड़ी व्यक्ति मतलब दो व्यक्तियों को साथ साथ में एक ही जो भवन होता है उस भवन के अंदर घुसना चाहिए। तीसरा होता है प्रवेश में खड़े होकर संभावना प्रवेश, अब जिस रूम के अंदर प्रवेश करते हैं तो इस प्रकार से खड़े खड़े संभावना नहीं है तो क्या है क्रॉलिंग पोजीशन मतलब थोड़ी झुककर इस प्रकार से झुककर यदि अपने को संभावना हो तो वहाँ से यह करें, यदि उसके बाद भी झुककर संभावना नहीं तो हाथों को घसीटते हुए इस प्रकार से ये हाथों को घसीटते हुए क्या है उस भवन के अंदर प्रवेश कर लेते। ये थी एक धुएं के अंदर घुसने पर व्यक्तियों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किस किस प्रकार से धुएं के अंदर ये सावधानी बरतनी चाहिए। अब देखो, एक और बात कर लेते हैं उसके, मानो कि अपन फाइटिंग के साथ में कोई बिजली के तार से व्यक्ति टच हो गया है, बिजली के तार को व्यक्ति ने चू लिया है तो उनको बचाने के लिए किसी व्यक्ति को बिजली के वायर के साथ बसाओ। देख लो, बिजली के वायर के साथ में बसाओ, जो बिजली का वायर होता है उसके साथ में किस प्रकार से बसाव
कार्य करने से ये जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उनको बिजली के वायरों में किस प्रकार से सावधानी करनी चाहिए। पहला नंबर एक, जो वोल्टेज सप्लाई होती है उस सप्लाई की यदि अपने को जानकारी होना चाहिए, जानकारी लेकर तुरंत बंद करें या सूचना दें। देखिए पहला पॉइंट है जो बिजली के व्यक्ति से वोल्टेज सप्लाई, जो वोल्टेज कौन सी सप्लाई के अंदर आ रहा है, कितनी सप्लाई के अंदर वोल्टेज आ रहा है और किस किस सप्लाई के द्वारा वोल्टेज आ रहा है, तो उनकी क्या है वोल्टेज सप्लाई जानकारी लेकर तुरंत बंद करें। वोल्टेज सप्लाई की यदि अपने को जानकारी है तो वहाँ से अपन तुरंत बंद कर दें, तुरंत उनको बंद करना सही है। लेकिन अपने को जानकारी नहीं है तो उसके जो लाइन का कंट्रोल रूम होता है, उस लाइन के जहाँ से हैंडल किया जाता है, उनको तुरंत कॉल करके सूचित करके वो लाइट को कट ऑफ कराए, लाइट को बंद करवाए, जिससे कि जो व्यक्ति चिपक गया है उनकी जान बचाई जा सकते हैं। उसके बाद में फ्लोर गीला नहीं होने दें, जो फ्लोर है फ्लोर जिस फ्लोर के ऊपर कार्य करते हैं वहाँ वो फ्लोर गीला नहीं होना चाहिए, पैर हमेशा अपने सूखे होने चाहिए। अपन देखो किसी व्यक्ति को फ्लोर गीला हो गया है और वहाँ से अपने हटाना चाहते हैं, तो उठाने के दौरान क्या है वहाँ पर फ्लोर वो जो कार्य कर रहे हैं वो गीला है कि नहीं है, फ्लोर गीला है कि नहीं है एवं किस प्रकार से है, तो नीचे अपने पैरों में जूते वगैरह पहनना चाहिए। नंबर तीन है सूखी लकड़ी या सीलिंग हुक का प्रयोग करें। सूखी लकड़ी या सीलिंग हुक सीलिंग हुक क्या करता है, सीलिंग हुक में इस प्रकार का एक डंडा रहता है, ये हुक है, ये इस प्रकार की ये डंडा है, तो सीलिंग हुक के डंडे से प्रयोग करें। यदि अपने पास सूखी लकड़ी नहीं है तो जो सीलिंग हुक है उस सीलिंग हुक से उसमें जो व्यक्ति जिसके अंदर तार से सिपक गया तो उनको पकड़ के अपन खींच सकते हैं, बाहर ला सकते हैं। जिस प्रकार से इसमें फायर बुझाने में काम होता है, कौन सी स्टारवेशन मेथड होती है ना, स्टारवेशन मेथड, सुधाभरण विधि होती है ना, सुधाभरण विधि में ज्वलनशील जो पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने के लिए इस सीलिंग हुक का उपयोग किया जाता है, इस सीलिंग हुक को काम में लिया जाता है। तो इस सीलिंग हुक या जो सूखी लकड़ी है उस लकड़ी की मदद से इन्हें व्यक्ति जो तार से सिपक गया है तो उनको बाहर निकालना चाहिए। नंबर चार पे आता है सूखी लकड़ी वो टेबल पर खड़े होकर होकर व्यक्ति को बाहर खींचे। व्यक्ति को बाहर खींचे इस प्रकार से उस व्यक्ति के कार्य करने चाहिए अपने को। ये होता है एक वोल्टेज सप्लाई, जो लाइट की सप्लाई होती है उस सप्लाई में जो व्यक्ति फंसा होता है, फंसा होने के लिए वोल्टेज सप्लाई को जान से। नंबर दो फ्लोर्स गीला नहीं होने की स्थिति में सूखी लकड़ी का या सीलिंग हुक का प्रयोग करें, सूखी लकड़ी एवं टेबल्स के ऊपर खड़े होकर व्यक्ति को बाहर निकालें। अपन ने आज लैडर ड्रिल किस प्रकार से होती है, कितने व्यक्ति होते हैं उसके बारे में, एवं जो जब धुएं के अंदर व्यक्ति किस प्रकार से कार्य करते हैं, एवं जो बिजली से कोई व्यक्ति सिपक गया तो उनको किस प्रकार से निकाले, इन तीनों पॉइंटों के बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा की। अब एक बार और थोड़ा जहन में लाते हैं अपन,
देखिए लैडर ड्रिल आदमियों की संख्या, इसके अंदर चार व्यक्ति होती है, चार व्यक्ति का समूह या एक क्रू मदद से लैडर ड्रिल करवाई जा सकती है, संपन्न करवाई जा सकती है, इनके द्वारा, इन चार व्यक्ति या इनके द्वारा लैडर ड्रिल संपन्न करवाई जा सकती है। जो लैडर ड्रिल का ये निचला हिस्सा होता है वो 1/4 यानी 1/100 हिस्से से भवन की बिल्डिंग के अनुसार होनी है। जैसे भवन की मानो कि ये बिल्डिंग की है 100 फिट, 100 फिट तो नीचे से ये दूरी है जो सू और भवन के बीच की दूरी है, तो यह 25 फिट होना अनिवार्य, 25 फुट होना जरूरी है। और ये हो गई आपकी लैडर, इस प्रकार से लैडर रहते हैं, ये स्ट्रिंग है, ये राउंड है, ये सू है और ये क्रू यहाँ खड़ा है और लैडर ड्रिल के दौरान अब आगे लेके जाएगा, लैडर ड्रिल करेगा। लैडर ड्रिल में इस प्रकार से दो प्रकार के लॉक लगाए जाते हैं, एक आर्म लॉक होता है, एक लेग लॉक होता है। आर्म लॉक हाथ से लगाया जाता है और लेग लॉक पैरों से लगाया जाता है। तीन हिस्सा छोड़कर इस लेग को लगाते हैं, आर्म लॉक सीधा क्या है, हाथों को डालकर ये टेस्टिंग करता है और नीचे उतर जाता है और एक नंबर, दो नंबर यहाँ से पकड़ता है सामने वाला स्ट्रिंग को, तीन नंबर पकड़ता है और पीछे से चार खींचता है और एक नंबर इस प्रकार से टेस्टिंग करता है। तो लेटर को भवन से हमेशा 1/100 लगाई जानी चाहिए, खिड़की पर लगाई, खिड़की पर विशेष प्रकार से। आग में दो प्रकार के लॉक होते हैं, जो आर्म लॉक और लेग लॉक। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा BS, धुएं में फायर फाइटिंग किस प्रकार से करनी चाहिए, BS सेट का पहनना चाहिए, BS सेट ना होने रुमाल पहनना चाहिए और हमेशा दो जोड़ी व्यक्तियों के साथ में काम करने प्रवेश के समय क्रॉलिंग पोजिशन या नहीं झुककर काम करना चाहिए। यदि उस समय नहीं है तो क्या है, वह व्यक्ति को घसीटते हुए काम करना चाहिए। और ये हो गया बिजली के वायरों के साथ में बचाव कार्य किस प्रकार से करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आप नोट्स कर लेना और आगे अपन अगले वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।